या बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो मेरा शाओमी का रेडमी 3S डिवाइस है, इसके अंदर स्टोरेज थोड़ी भी बची नहीं है और मुझे जो है इसमें ऐप ड्रॉवर की फैसिलिटी को अनेबल करना था, बट उसे अनेबल करने के लिए मुझे जो है कोई ना कोई लॉन्चर को इसमें जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कब तक अपने जो है एप्स को शाओमी के डिवाइस पे ऐसे ही ढूंढता रहूंगा। एक मिनट, मैंने ऐसा जो है आइकन कोई भी शाओमी के डिवाइस पे कभी नहीं देखा हूं। सो फ्रेंड्स, आपने कभी ऐसा देखा है? सो तो ये क्या है, चलिए इसमें जाकर देखते हैं। ओ वाओ, ये मैं क्या देख रहा हूँ। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं गीकी टेक्निका और आज के इस न्यू वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक नई अमेजिंग ट्रिक जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। अब जैसा कि आप सबको पता है कि Xiaomi का जो है ऑफिशियल लॉन्चर होता है और उस लॉन्चर के अंदर सारी चीजें बहुत ही बेहतर रहती है, बट एक चीज जो है उसमें वो नहीं देता है और वो रहता है ऐप ड्रॉवर, जिसकी वजह से बहुत सारे जो Xiaomi के यूजर्स हैं उन्हें जो है तकलीफ होती है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे करें इस ऐप ड्रॉवर के आइकन को अनेबल अपने Xiaomi के डिवाइस पे। सो वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना रहेगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ऐप ड्रॉवर है वो मैंने जो है Xiaomi के जो ऑफिशियल लॉन्चर है उसके अंदर मैंने जो है अनेबल किया हूं। अब इसे अनेबल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगी, आपको सबसे पहले वहां जाना है एंड जाकर आपको जो है वहां पर उसे इंस्टॉल कर देना है। वो साइट जो है बगी नहीं है, सो आप बेफिक्र उधर जाइए एंड उसे इंस्टॉल कर लीजिए। सो आपको सिंपली इंस्टॉल करने के बाद यहां पर जो है पिंच इन करना है। पिंच इन करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर जो है आपको मोर का ऑप्शन दे दिया गया है। मोर के ऑप्शन में जाने के बाद अगर आप जो है पहले जाते होंगे तो आपको यहां पर जो है ये जो चाइनीज में आपको लिखा हुआ दिया जा रहा है अभी वो आपको जो है पहले नहीं दिया जाता था, तो आपको सिंपली इधर जाना है एंड इधर जाने के बाद आप यहां देख सकते हैं कि आपको यहां पर जो है आपका पुराना जो है लॉन्चर दे दिया जाता है। सो पहले जो है आपको कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस Xiaomi के डिवाइस का मिल जाता था, बट अगर जैसे ही आप यहां पर आएंगे एंड यहां पर मोर में जाने के बाद अगर आप चाइनीज में जो आपको लिखा गया उस पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अगर आप ऐसा इसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है न्यू इंटरफेस Xiaomi का आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। सो आपको यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से मिला है। अब यहाँ पर जो है ऐप ड्रॉवर के अंदर आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर दी जाती है मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि एकदम टॉप में आपको जो है रिसेंट एप्स आपको दिया गया है कि जो कुछ भी मैं ओपन रिसेंटली करूंगा वो आपको यहाँ पर टॉप में दे दिया जाएगा और उसी के एकदम नीचे आपको सारे आपके जो है एप्स प्रोवाइड कर दिए गए। अब आप अपने जो है होम स्क्रीन को और अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं एंड सारी जो ऐप है वो एक ही जगह जो है आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पर एक और आपको चीज दे दी जाती है मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पर जैसे ही स्क्रोल करेंगे सो यहाँ पर आपको जो है अल्फाबेट टाइप का भी जो है अगर आपका आर है तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, देन आपको अगर टी से कोई आपको ऐप ढूंढना है तो वो आपको मिल जाएगा, अगर डब्ल्यू से आपको ढूंढना है, अगर वाई से ढूंढना है तो वो सब जो है आपको मिल जाएगा। वैसे तो ये जो है अभी अल्फा मोड में है। अल्फा मोड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो है बीटा मोड के पहले रहता है। अभी अल्फा में आने के बाद बीटा में आएगा एंड बीटा में आने के बाद ये जो है फाइनली सारे डिवाइस में आ जाएगा विदाउट कोई लिंक विंक पे जाए बिना। एंड इसमें जो है और भी एडिशनल जो है Xiaomi ने प्रॉमिस किया है कि ऐप ड्रॉवर से रिलेटेड और भी फीचर्स लेके आ जाएगा, जैसे कि आप अगर यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स की जो है आपको ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में विद न्यू टिप्स ट्रिक्स अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड ब्लॉग के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाजू में जो एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है आप उसे अनेबल जरूर कर दीजिए ताकि जब कभी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसे लाइक कर दीजिए एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ ये जो है शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है ये फीचर्स वो एंजॉय कर सके। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि Xiaomi को इस अपडेट से रिलेटेड और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।